जानिए दांत निकलते वक्त बच्चों को क्यों होते हैं दस्त। दांत निकलते समय बच्चों के मसूड़ों की त्वचा संवेदनशील हो जाती है। जो चीज़ बच्चे के पास होती है उसे उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करता है, इससे पेट खराब, उल्टी और दस्त होने लगते हैं। हर चीज चबाना, लार आना, रोना, चिड़चिड़ापन, मसूड़े में खुजली व सूजन, उल्टी, दस्त होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों को 6 से 9 माह के बीच दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। मसूड़े में खुजली, जमीन पर पड़ी चीज़ों को मुंह में लेने से पेट में संक्रमण से बच्चे को दस्त होने लगते हैं। दस्त पेट में संक्रमण होने पर होती है, न कि दांत निकलने की वजह से। बदलता है व्यवहार, बच्चों को ज़्यादा दस्त, कमजोरी, मसूड़े में सूजन, चिड़चिड़ापन की समस्या का होम्योपैथी में इलाज है। कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। होम्योपैथी में कैल्शियम के लिए कैल्केरिया फस व अन्य दवाई देते हैं। डायरिया में क्या करें? बच्चों को केला मसल कर दें, स्तनपान कराते रहें, 1 चम्मच चीनी व नमक 1 लीटर पानी में घोलें और ये पानी थोड़ी थोड़ी देर पर बच्चों को देते रहें, या नहीं तो रिलाइट RTU पानी भी बच्चे को दे सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण रहता है, इससे भी बच्चे को पेट खराबी में काफ़ी राहत मिलेगी।